चैनल, कैसे हैं आप लोग? और हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर का पहला वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही रैंडम वीडियो है। मैं कल शॉपिंग करने के लिए मॉल गई थी और वहाँ मुझे एक बहुत अच्छी स्टोर मिली जहाँ पे बहुत ही मल्टी कलर की मल्टीपर्पज चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने कुछ पिक किया है और वो मैं लेकर आई हूँ क्योंकि हमारा ट्रैवल ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी ही। और अगर आपको अच्छा लगे ब्लॉग्स देखना, जैसे मेरे ब्लॉग्स भी आजकल आ रहे हैं, आपको ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और आप वो ट्रैवल ब्लॉग देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। फिलहाल मैंने उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड शॉपिंग की है, वो स्टोर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मैं ली हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही एसेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं जो काम आती हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इतनी ठंड है कि मैं बिना जैकेट पहने तो बैठ ही नहीं सकती थी भैया, मुझे तो टोपी लगाने का दिल कर रहा था बट नहीं, इतना भी नहीं है, चलो ठीक है। तो फर्स्टली मैंने वहाँ से लिया है ये बैग, ठीक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे मैंने इसको अमेज़ॉन पे भी देखा है बट मुझे वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मुझे तुरंत से मिल गया। अमेज़ॉन पे फिर मुझे वेट करना पड़ता कब डिलीवरी हो रही है, क्या हो रहा है, और जो प्राइस मैंने पे किया वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जिप की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अंदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज स्पेस है, तो ये आप अपनी टॉयलेटरीज के लिए, आप अपने मेकअप प्रोडक्ट्स रख सकते हो, आप अपनी टॉयलेटरीज रख सकते हो, आप इसमें अपना मतलब कहीं भी ट्रैवल करने के लिए आप इसको इसमें अपनी मेडिसिन रख सकते हो। काफ़ी अच्छा बैग है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ट्रांसपेरेंट है तो ईजिली आपको सारी चीज़ें अंदर से दिख जाएंगी। तो ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, सबसे पहली प्रोडक्ट जो मुझे वहाँ सबसे पहले मेरे हाथ में आया था और मुझे पसंद आया, सो ये मुझे फर्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड अगेन एक बैग है, ये मैंने लिया है एक्चुअली मेडिसिन वगैरह रखने के लिए, एक पाउच सा है और इसके अंदर भी ह्यूज स्पेस है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर भी, तो ये मैंने लिया है मेडिसिन वगैरह रखने के लिए क्योंकि हम जाएंगे तो बच्चे का साथ है, बहुत सारी चीज़ें, कभी किसी को सर दर्द हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, तो इस सब टाइप की चीज़ों के लिए एक पाउच होना चाहिए, तो ये मैंने उसके लिए लिया है। उसके बाद मैंने लिया है एक स्क्रबर जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आपके यू नो डेड सेल्स हो जाती हैं पैरों पे, एड़ियों पे स्पेशली, तो उनको रब क्लीन करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया। आई थिंक ये 78 रुपीज़ का मुझे मिला है तो मैंने ये भी वहाँ से पिक किया। उसके बाद मैंने लिया मिट्टी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा हेयर बैंड जिसमें यहाँ बो बना हुआ है और ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था तो मैंने ये भी ले लिया और ये बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा ऐसा कॉस्टली भी ये मुझे नहीं पड़ा है। आई थिंक ये 50-60 रुपीज़ का मुझे पड़ा है, सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भैया, इतने में तो नहीं मिलता है कोई भी कह सकते हो आप हेयर बैंड। उसके बाद मैंने ली है मिट्टी के लिए ये डी टैंगलर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगी क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हो आप ये स्टार्स इसमें इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं पूरे, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, उसको पसंद भी आई एंड इसकी कोम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो मैं हमेशा उसके लिए वो वैसी वाली कोम जो होती है ना वो वाली इस्तेमाल नहीं करती, मैं हमेशा ऐसा डी टैंगलर ही इस्तेमाल करती हूँ उसके लिए भी अपने लिए भी, तो ये मैंने उसके लिए लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्रिटी सा लग रहा था। तो ये एक रैंडम वीडियो जा रहा है ताकि मतलब अगर आपको ऐसी कोई चीज़ दिखे तो आप ले सकते हो क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और अगर आपको दिखती हैं काम बहुत आती हैं सारी चीज़ें, तो मैंने ये लिया। और अब मेरी पिटारे में से निकलने वाला है मेरा डिटैंगलर जो कि मैंने इस कलर का लिया है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लग रहा था, कलर बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा था तो मैंने अपने लिए एक डिटैंगलर लिया है। उसके बाद मैंने बंच ऑफ रबर्स लिए हैं जो मुझे चाहिए होते हैं मिट्टी के बालों के लिए, उसको उसके लंबे बाल हैं, अच्छे खासे बाल हैं तो उसके बालों के लिए मुझे इसी तरीके की क्रंचीज चाहिए होती है, तो ये मैंने लिया है उसके लिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी एंड ईच कॉस्ट कर रही है मुझे 55 रुपीज़ की, एक पूरा 55 का बंच है, एक दो ठीक है ये। उसके बाद मैंने ये कुछ इस तरीके का हेयर बैंड लिया है, ये दो तरीके से काम कर सकता है, एक तो मैं इसको अपनी बेटी के लिए लगा सकती हूँ
ठीक है। दूसरा, अगर हमको कोई हेयर स्टाइल समझ नहीं आ रहा है ना, तो मैं इसका शॉर्ट्स डालूंगी, ऐसे नहीं बताऊंगी आपको। तो ये हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं शॉर्ट्स में डाल के बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप शॉर्ट्स नहीं देखोगे मेरा, ठीक है। सॉरी, ये मैंने मिट्टी के लिए लिया है, मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था, पूरा उसका कवर हो जाएगा एकदम ही, बहुत सुंदर लग रहा था। मेरे ऊपर तो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं अपने लिए लिए दो क्रंचीज जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, कुछ इस तरीके के स्ट्राइप पैटर्न्स में थे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। मुझे क्रंचीज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते क्योंकि स्पेशली इनसे बाल नहीं टूटता है, सबसे अच्छी चीज़ ये है, और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो ये मैंने दो ले लिए, एक गिर गया मुझसे। उसके बाद मैंने अपने लिए एक ये प्यारा सा बो वाला क्लेचर लिया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्लेचर की ज़रूरत हमेशा ही पड़ती है बाल को बांधने के लिए, जिनके बड़े बाल होते हैं उनको क्लेचर की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, तो क्लेचर मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, एकदम डस्टी कॉफ़ी वाला कलर है, बहुत ही प्यारा सा कलर है, तो मुझे कलर इसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। वैसे तो बहुत सारे थे। अच्छा जी, अब क्या है मेरे पास, ओके, अब मैंने एक और चीज़ ली है, ये मैंने वीडियो से रिलेटेड लिया है, ये इसको कह सकते हैं DIY हेयर बैंड। जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, मेकअप वीडियो या फिर कोई DIY या फिर कोई अदर शॉर्ट्स वीडियो कुछ भी बनाती हूँ, तो ये मैं थोड़ा लगा करके स्टाइल मार सकूँ, तो इसके लिए मुझे दिया, मैंने लिया है ये। क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो ये मैंने अपने DIY और या मेकअप वीडियोस के लिए लिया है। अच्छा, लास्ट बट नॉट, नहीं लास्ट नहीं है ये, इसके बाद एक और चीज़ भी है, बट ये जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले आप ये देख लो, ये मैंने कुछ क्लिप्स ली हैं जो कि कुछ इस तरीके की हैं, ये तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मैं भी, मिट्टी भी लगा सकती है, कोई भी लगा सकती है, काफ़ी अच्छा स्टोन का वर्क किया हुआ है एंड काफ़ी प्यारी लग रही थी, तो मैंने ये भी ले ली। उसके बाद अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और बेस्ट चीज़ मुझे दिखी है। मैंने उस स्टोर में देखा ये कुछ इस तरीके के एक्स्ट्रा कह सकती हो कंफर्टेबल ब्रा एक्सटेंडर, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी, यूनिक सी चीज़ लगी, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि यू नो कोई ब्लाउज आपको टाइट हो गया है या कुछ ऐसा, कोई ब्रा में आपको कोई यू नो इशू है, टाइट हो रही है पीछे से, तो आप इसको एक्स्ट्रा लगा सकते हो। एंड ये हुक का सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप, ये हुक से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो और बढ़ा सकते हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी, तो मैंने इसका दो पैक लिया है। मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी एंड फिर आपके साथ पूरा रिव्यू इसका शेयर करूँगी कि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, लेकिन ये बहुत अच्छी यूनिक सी चीज़ लगी। काफ़ी लेडीज़ इसको पिक कर रही थी, इसको तो मैंने भी देख करके, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था, तो वो लेडीज़ पिक कर रही थी, तो मैंने सोचा देखे क्या ले रही है लोग, तो मैंने देखा कि वो इस तरीके का ले रही थी ब्रा एक्सटेंडर, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखूंगी कि ये क्या चीज़ है और आपको बताऊंगी। ओके, लास्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये फेशियल रोलर। ये मैंने अपने लिए लिया है थोड़ा सा स्किन को प्रेप करने के लिए और थोड़ा सा किसी वीडियो में थोड़ा स्टाइल मारने के लिए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिला है और काफ़ी अच्छे प्राइस में मिला है। मैं ऑनलाइन अगर इसको लेने जाऊँगी ना तो भी ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, बट मुझे वहाँ पर ये बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया, तो इसलिए मैंने मतलब बिना सोचे कि एक सेकंड भी नहीं सोचा मैंने इसको पिक कर लिया। बट पूरा मार्बल वाला है, अगर आप इसको ऑनलाइन चेक करना बहुत कॉस्टली होगा ये, बट ये देख सकते हो आप, इससे आप अपनी स्किन को इस तरीके से मसाज दे सकते हो, इससे आपकी स्किन जो है वो टाइट होती है, जब आप स्क्रब कर रहे हो, जब आप मॉइस्चराइज कर रहे हो अपने स्किन को, आप कर सकते हो ये छोटे वाले से, आप अपनी अंडर आइज को कर सकते हो, अपनी आइज के या अपने नोज के एरियाज पे, लिप्स के एरियाज पे आप इस तरीके से कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। बहुत टाइम से मेरा लेने का दिल था, तो फाइनली आई गॉट इट और ये मेरा लास्ट प्रोडक्ट था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ बट आपको कोई असर नहीं होता, आप लोग कोई भी सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, क्या है यार, बट ठीक है, चलो
मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं वीडियो बनाती रहूंगी। आप देखते हैं कब तक सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।